हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गूगल शीट के बारे में। और गूगल शीट में व्यूअर्स के ये समझ में नहीं आता, जैसे मान लीजिए गूगल शीट मैंने ओपन कर रखी है और यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको अटेंडेंस शीट बनानी है तो यहाँ पर आपने लिख लिया नेम ऑफ स्टूडेंट, ईयर लिख लिया और मंथ लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे मंथ का एम कैपिटल कर देता हूँ मैं, ये मंथ लिख लिया। लीजिए कि आज डेट क्या है, आज डेट है आपका, आज है 8 तारीख है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे हमें 8 तारीख लिखना है, यानी 8 लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर 1 तारीख, ठीक है, ये 1 तारीख कर दिया हमने और यहाँ पे 7 कर देते हैं और इन दोनों को हम पकड़ते हैं, ठीक है, लिया। और यहाँ से इसको ड्रैग करते हुए चले जाते हैं पीछे की तरफ, आ गए, तो यहाँ पर ये आ गया। अब हमको आगे जाना है, जैसे मान लीजिए यहां से, अभी यहां पे 21 तारीख आ रहा है, लेकिन यहां पर ये हम फॉरवर्ड जाने की कोशिश करते हैं तो यहां पे आगे नहीं बढ़ पाते हम, क्योंकि कॉलम्स तो हैं ही नहीं। तो कॉलम्स कैसे लेके आएंगे, वही बात करने वाले हैं। तो चलिए ये इसको देखते हैं कैसे हम कॉलम लेके आ सकते हैं, ठीक है। अटेंडेंस शीट भी हम इसमें बनाना सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि कॉलम्स कैसे लेके आ सकते हैं, क्योंकि हमें कॉलम्स इसमें मिलते नहीं। तो अभी क्या करेंगे हम, जैसे मान लीजिए हमें 4 कॉलम इंसर्ट कराने हैं, 2 कॉलम इंसर्ट कराने हैं, तो जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 हम एक साथ 5 कॉलम इंसर्ट कराते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, इसको सेलेक्ट किया हमने यहां से, ये देखिए ऊपर वाले हेडिंग को सब सेलेक्ट करेंगे, ऊपर वाले कॉलम हेडिंग को आप सेलेक्ट करेंगे तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको प्रेस करना है शिफ्ट और नेविगेशन की जो दी हुई है अप डाउन लेफ्ट राइट, तो आपको राइट वाली की प्रेस करनी है, प्रेस करिए और ये स्टिकी की आ रही है, इसको मैं हटा देता हूं। यहां से राइट की और ये अब हमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है। यहां पे राइट क्लिक किया हमने तो ये कह, तो यहां पे हमें क्या चाहिए, यहां पे हमें कॉलम चाहिए, तो ये कॉलम ही हमने सेलेक्ट किया और ये कह रहा है कि 5 लेफ्ट में चाहिए या राइट में चाहिए, तो हम बोलेंगे राइट में चाहिए, तो 5 कॉलम जो है राइट में इंसर्ट हो जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ये 5 कॉलम्स जो है राइट में इंसर्ट हो गए हैं। जितने आपको चाहिए आप सेलेक्ट कर लीजिए एक ही बार में और लेके आ सकते हैं आप। अब यहाँ पे 17 तारीख में कर देता हूँ, इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे देख सकते हैं 26 तारीख तक हम आ चुके हैं। अब हमें 26 नहीं बल्कि और भी ज्यादा कॉलम्स चाहिए होंगे, तो हम क्या करते हैं और भी ज्यादा कॉलम्स के लिए इनको यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और एक ही बार में शिफ्ट और राइट एरो की पे और यहाँ पर कॉलम को इंसर्ट करा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। राइट साइड में हमें चाहिए, राइट साइड में हमने इंसर्ट करा लिया। अब इन दोनों को सेलेक्ट किया हमने और यहाँ से इसको 27 तारीख आ गई, यहाँ से 28 29 30 31, जुलाई 31 का महीना है तो 31 तक हमने इंसर्ट करा लिए, ठीक है। अब इसमें इस तरह से करके हम कॉलम, अब आपको रो की भी जरूरत है तो रो भी आप ऐसे ही इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे अब अटेंडेंस शीट बनानी है। अब मान लीजिए कि आज डे कौन सा है, जैसे मान लीजिए तारीख तो 8 है लेकिन डे कौन सा है, तो यहाँ पे डे भी देख सकते हैं आप, ये है वेडनेसडे, आज वेडनेसडे है, तो चलते हैं 8 तारीख में, ये आ गए हम और यहाँ पे हम लिख देते हैं WED यानी कि वेडनेसडे, ठीक है। अब देखिए यहां से आपको पकड़ना है, ठीक है, और ड्रैग करते हुए आ जाना है 31 तारीख तक, आ गए। तो यहां पे देख सकते हैं ये पूरी की पूरी डिटेल इसमें फिल हो गई है। अब हम इधर की तरफ बढ़ेंगे और 1 तारीख तक इसको पूरा ड्रैग करा लेंगे, तो ये 1 तारीख तक हमने ड्रैग करा लिया, ठीक है। इस तरह से करके हमको इसको ड्रैग कराना। अच्छा, अब हमको ये समझना है कि संडे इसमें कहां कहां आ रहा है, तो ये संडे है तो यहां पर क्या करेंगे, लिखेंगे SUN यानी संडे, ठीक है, और SU दो बार लिखेंगे, ठीक है, और इसको यहां से ड्रैग करवा लेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, अब आगे बढ़ते हैं इधर, अब देखते हैं और कहां संडे है, यहां पे संडे है तो आपको लिखना है SUN, ओके, एक बार और SUN लिखेंगे, ये लिख लिया हमने, यहां से इसको खींचेंगे, ओके, तो ये हमारा संडे आ गया यहां पर। अब आगे जाना है यहाँ पे, फिर यहाँ पर भी संडे है तो यहाँ पर भी आप ऐसे ही करेंगे SUN और फिर यहाँ पे SUN और इन दोनों को सिलेक्शन में लीजिए और ड्रैग करवा दीजिए नीचे तक,
ठीक है। फिर आइए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं संडे कहाँ है, यहाँ पे संडे है, तो यहाँ पर भी वही सेम काम करेंगे हम, S-U-N, ओके, और इसको ड्रैग करवा दीजिए। तो ये हमारा काम हो गया, अब हमारा काम बहुत ही आसान हो गया। अब यहाँ पे केवल स्टूडेंट का नाम भर हमें लिखना है, यहाँ पे लिखता हूँ सूरज सिंह, ये लिखा हमने, यहाँ पे राम कुमार, ओके, और सरोज, जैसे मान लीजिए 2020 चल रहा है तो यहाँ पे 2020 लिख देते हैं, ठीक है, ये 2020 लिखा हमने, और इसको ड्रैग कर दीजिए नीचे। मंथ कौन सा चल रहा है, तो हमारा जो मंथ चल रहा है वो है जुलाई, तो यहाँ JUL आपको बस इतना लिखना है, ठीक है, ये JUL जुलाई लिख दिया, और इसी को हम ड्रैग कर देंगे नीचे की तरफ। तो जैसे ही आप जुलाई को ड्रैग करेंगे तो ये इस तरह से अलग अलग मंथ आ जाएंगे। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर लिखना है JUL, एक बार और जुलाई लिखना है, और यहाँ से इन दोनों को पकड़ना है और अब ड्रैग करवा देना, अब ये जुलाई आ जाएगा पूरा, ठीक है। अब यहाँ पर अपने समझ के अनुसार आप प्रेजेंट या एबसेंट भर दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया प्रेजेंट, ओके, इन सबको मैं सेलेक्शन में ले लेता हूं और यहां से ये कर दिया हमने, इसको एक बार और ड्रैग करा देते हैं, यहां पर एक और स्टूडेंट का नाम दे देते हैं सोनू, ओके, यहां पे 2020 और यहां पे जुलाई, बस ये हो गया हमारा काम। अब देखिए यहां पर इधर आते हैं और यहाँ से फिर अटेंडेंस शीट को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे मान लीजिए एब्सेंट है, फिर प्रेजेंट है, यहाँ पे इन दोनों को मर्ज करा दिया हमने, ओके, और इसके बाद फिर ये टोटल डेज हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा प्रेजेंट डेज, तो इसको भी मर्ज करा देते हैं, ये भी मर्ज हो गया। अब एब्सेंट डेज करना है तो हमें एक कॉलम की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से राइट में एक कॉलम इंसर्ट करा लेते हैं, तो ये टोटल डेज हो गया, प्रेजेंट डेज हो गया। अब एब्सेंट डेज कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये दो कॉलम हमने सेलेक्ट करा और यहाँ से इसको भी मर्ज करा लिया, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल डेज और यहां हो जाएगा प्रेजेंट डेज, और यहां हो जाएगा एब्सेंट डेज, ओके। अब इसमें हम क्या करते हैं, इन कॉलम्स को थोड़ा छोटा करते हैं, टेक्स्ट रैपिंग का आपको अभी मतलब समझ में आएगा, ये टेक्स्ट रैपिंग हम क्यों यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, इसका भी मतलब अभी आपको समझ में आने वाला है, तो ध्यान से देखते रहिए। तो ये हो गया, तो अभी हम टेक्स्ट रैपिंग करेंगे इसको, ठीक है, तो ये पकड़ा हमने, इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, अब हो गया ये।
अब टेक्स्ट रैपिंग करने का क्या फायदा है वो देखते हैं। ये टेक्स्ट रैपिंग दिया हुआ है, क्लिक किया हमने, तो टेक्स्ट को हमें रैप कराना है और इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये देख सकते हैं ऊपर नीचे का फॉर्म में ये आ गया है। फिर इस पर जाकर के वापस से वही काम, ठीक है, ऊपर नीचे ये हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं टेक्स्ट रैपिंग। अब देखिए इसमें तीन प्रकार के टेक्स्ट रैपिंग दिए हुए हैं, ठीक है, ओवरलैप कराना, ओवरफ्लो कराना, रैप कराना, और ये दिया हुआ है क्लिप नीचे, तो ये हो गया। अब यहां से नेम ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसको, यहां से थोड़ा इसको हम चौड़ा कर लेते हैं, ये हो गया। और इसको हम सिलेक्शन में लेते हैं, ओके, ये पूरा का पूरा हमने सिलेक्शन में ले लिया। इसको बोल्ड बना लेते हैं, यहां से ये बोल्ड कर लिया हमने, और यहां से हम बैकग्राउंड का जो कलर है उसको ब्लैक कर देते हैं। ये ब्लैक करने के बाद यहां से जो टेक्स्ट का कलर है उसे हम कर देंगे व्हाइट, तो ये इस तरीके से दिखने लगेगा। अब आते हैं, ये देख सकते हैं आप, इसको भी हम चाहे तो मर्ज कर सकते हैं, ये इतना पार्ट, तो मर्ज करने के लिए कहां जाना है, यहां पे आना है, ये देख सकते हैं आप, मर्ज ऑल कर दीजिए तो ये भी मर्ज हो जाएगा, तो इस तरीके से ये दिखने लगेगा। अब हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को, ये जो पार्ट है इसको पूरा हम सिलेक्शन करते हैं, यहां से पकड़ते हैं, हम पूरा सिलेक्शन करते हैं इसको, और यहां से बॉर्डर बना लेते हैं, ये बॉर्डर आपको दिख रहा होगा, यहां से बॉर्डर बना दीजिए, तो ये हमारी बन गई अटेंडेंस शीट, ठीक है। इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला अब लगाना है, तो कैसे लगाएंगे ये देख लेते हैं। टोटल डेज है, ठीक है, तो ये टोटल वर्किंग डेज है। वर्किंग डेज कैसे निकालेंगे बताता हूं आपको अभी, इसके पहले प्रेजेंट डेज दिया हुआ है, तो प्रेजेंट डेज निकालेंगे हम काउंट इफ से, तो यहां लिखा काउंट इफ, फॉर्मूला लगाया हमने। ये पहला वाला जो कॉलम है ये दिख रहा होगा आपको, सूरज सिंह वाला, यहां से यानी एक तारीख से इसको पकड़िए और शिफ्ट के साथ राइट एरो की दबाते चले जाइए या फिर सेलेक्ट करते चले जाइए और लास्ट तक आप सेलेक्ट कर लीजिए, यानी 31 तारीख तक इसको पूरा सिलेक्शन में ले लीजिए। इसके बाद कॉमा देना है आपको और डबल इंटेड कॉमा में लिखना है पी, पी यानी प्रेजेंट डेज हम निकाल रहे हैं, ओके, तो इसको हमने पी लिखा और एंटर प्रेस किया, तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहां प्रेजेंट डेज आ जाएगा, और जैसे ही प्रेजेंट डेज आएगा और डबल क्लिक करेंगे तो इसको ट्रैक करेंगे तो पूरा आ जाएगा, ठीक है। अब इतना कर लेने के बाद अब हमें एब्सेंट डेज निकालना है, तो एब्सेंट डेज कैसे निकलेगा, एब्सेंट डेज भी निकालने का तरीका वही है, इज इक्वल टू काउंट इफ गया, सी ओ यू एन टी आई एफ, काउंट इफ किया हमने, और अब हमें सिलेक्शन करना है डेटा का, जो पहला वाला स्टूडेंट है तो यहां से हमने किया सिलेक्शन, और सेलेक्ट करते हुए 31 तक का डेटा हमें पूरा सेलेक्ट कर लेना है, एक भी कम भी नहीं, एक भी ज्यादा भी नहीं, तो 31 तक का डेटा ये सिलेक्ट हो गया। अब हमको कॉमा देना है, ब्रैकेट में लिखना है ए, तो ए यानी एब्सेंट वाले डेज की संख्या हमें बताइए, तो यहाँ पे 2 दिन ये एब्सेंट है ये बता रहा है, ठीक है, डबल क्लिक किया हमने तो ये हमारा एब्सेंट वाले डेज की संख्या भी आ गई, आप देख सकते हैं इसको। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आई होगी। अब देखिए इसमें एक चीज और मैं बता देता हूं आपको, वो क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।